हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एंड आज की ये क्लास बिल्कुल ही सिंपल है कि आज की क्लास हम एक कंप्लीट रोड मैप की बात करने वाले हैं। अब रोड मैप क्या होता है? रोड मैप सीधा सा होता है कि हाँ, आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि जो हमारे 10th के बोर्ड के बच्चे हैं, जो हमारे 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से जो है अपना चीज़ों को तैयार करना है, किस तरीके से उन्हें चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, कई बार हमारे बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं बट चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें हो नहीं पा रहा है, उनके मन में ऐसा राइज होता है। और भी बहुत सारे सारे मुद्दे निकल के, बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। तो इन सारे इश्यूज में मैं एक बार एक एक करके आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ अपने 10th क्लास के बच्चों से। ठीक है, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, पहले उनके रोड मैप की बात कर लेते हैं यार, उनका रोड मैप क्या कहता है। ठीक है, उन्हें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक बार आप फिर से अपना क्या देखो, सिलेबस देखो। क्या देखो? सिलेबस देखो। सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका मैथ्स हो, आपका साइंस हो, आपका सोशल स्टडी हो, आपका इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो, आप सभी में देखकर फिर से सिलेबस देखो। जब आप सिलेबस देखोगे, आपका माइंड एक स्ट्रक्चर जो है वो फिर से चेंज होगा। ठीक है, तो सिलेबस पहले देखो, एंड सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्या है, पी वाई क्यू देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। एंड इन क्वेश्चन को देखने के बाद देखो नहीं क्या, फिर चलो आपने इन क्वेश्चन को देखा, इनके सॉल्यूशंस भी पढ़ लो। क्या कर लो, इनके सॉल्यूशंस वगैरह भी पढ़ो। ठीक है, जितने भी आपका पी वाई क्यू है, लगभग अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, तो आप 22 के ले लो, 21 के ले लो, 20 के ले लो, 19 के ले लो, 18 के ले लो। ये मैं आपको साल बता रहा हूँ, यानी कि 2018 के क्वेश्चन पेपर ले लो, 19 के ले लो, 20 के ले लो, 21 के ले लो, 22 साल के ले लो, 5 साल के पेपर ले लो। जब 5 साल का पेपर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपका डायमेंशन क्या है किसी चीज़ को लेके, यानी कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछता है, तो आपका थोड़ा सा अटेंशन बन जाएगा। और जब आप ये क्वेश्चन लोगे, तो आप इनका सॉल्यूशन देखो कि हाँ, इनका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ है, क्या आंसर्स मेंशन किए गए हैं, क्या ये आंसर्स मैं भी सोचता हूँ या नहीं सोचता हूँ, ये क्या कर लो, इसको एक बार सोच लो। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, पहली चीज़ मैंने आपको बताई सिलेबस ज़रूर देखना है, ये बिना सिलेबस देखे नहीं जाना है। और ये बात बिल्कुल कॉमन है, 10th के बच्चों के लिए भी कॉमन है और 12th के बच्चों के लिए भी कॉमन है, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ दोनों के लिए। इससे पहले मैंने बस बोला था 10th के बच्चों के लिए, बट ये चीज़ को कॉमन है, सिलेबस 10th का बच्चा भी देखता है और सिलेबस जो है 12th क्लास का बच्चा भी देखता है। तो सिलेबस देखना है। दूसरा मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ देखना है। PYQ देखोगे कब कब का, मैंने बोला कम से कम 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लूँ और देख लूँ कि अब किस तरीके की क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे, एंड जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को बनाओ। तीसरा क्या करो बच्चों, प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस, खुद से क्वेश्चंस लो, खुद से क्वेश्चंस लो एंड क्वेश्चंस को करो। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि मान लो तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जब तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो तुम समझ जाना कि तुमने उस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ाए, और जब तुमने उस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ाए जाके क्या करना है, उस टॉपिक की रीडिंग करनी है कम से कम कितने बार, 2 टाइम्स इसकी क्या करनी है, आपको रीडिंग करनी है। तो इस तरीके से 10th क्लास के बच्चे और 12th के बच्चे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, यानी कि अभी भी कुछ बीता नहीं है, अभी बहुत टाइम है। अगर आप अभी से भी एकदम जोर से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो अभी भी आप बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो लाया कर सकते हैं, मैंने आपको सिंपल बताया, लाइक जो 10th और 12th के जितने भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम से, उनका तो उनका एक रोड मैप यही है कि सबसे पहले अपना सिलेबस से फोकस करें, अपना सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। तो जब उनका सिलेबस हो जाएगा बच्चों, उनका सिलेबस का डायमेंशन बदल जाएगा, सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा, या फिर सिलेबस को देखें। दूसरा है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 इन 5 साल के पेपर को ले लें, पेपर में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। अलग अलग बोर्ड के बच्चे अलग अलग बोर्ड के पेपर डाउनलोड कर लें, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन की करें प्रैक्टिस, खुद से लिखने की करें कोशिश। अब कई बार ऐसा होगा कि आप किसी का आंसर खुद से लिख ही नहीं पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आप जब आंसर नहीं लिख पाते हो तो आप क्या करो, उस टॉपिक की रीडिंग करो। ठीक है, जाकर 2 टाइम्स पढ़ लो, अंडरस्टैंड। चलो इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दे रहा हूँ, एक सॉल्यूशंस क्या है। ये सॉल्यूशंस ये है कि आपका जो भी बुक है, 10th के बच्चे के पास जितनी भी किताब है, 12th के बच्चे के पास जो भी किताब है, कम से कम उन किताबों को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रीडिंग जरूर करें। क्योंकि आप एक बार में किसी किताब को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, मुझे ऐसा लकील होता है कि हाँ, आपको किसी किताब को समझने के कम से कम 2-3 बार 3 बार तो रिविजन करना ही पड़ता है। तो कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स उस किताबों को रीड करें, जिससे माइंड में कॉन्सेप्ट और बनेगा। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया,
पहला मैंने आपको बताया सिलेबस, दूसरा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरा मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करना है, और चौथा मैंने बताया रीडिंग जरूरी रखनी है। ये अगर ये चार चीज़ आप कर लेते हैं, अगर आप ये चार चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कोई रोक सकता है आपके मार्क्स स्कोर करने में, आपके नॉलेज स्कोर करने में या किसी और भी चीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो द अकेडमी का आप इस चैनल्स पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर बच्चों।